जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु कुमार और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इस कंपनी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को इसमें लॉस हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, या कोई व्यक्ति यदि नया है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाथ से यानी कि नए व्यक्ति को इसमें एंट्री लेने के लिए अभी परफेक्ट टाइम है कि नहीं इस कंपनी में, इसके बारे में हर एक पहलुओं को इस वीडियो में टच करेंगे इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, यदि इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो अभी देख सकते हैं तकरीबन 2 रुपये 60 पैसे के आसपास चल रहा है और इसमें अच्छी खासी 2% के आसपास इसमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। लेकिन देखेंगे तो ये तेज़ी हाल फिलहाल के दिनों में ही देखने को मिली है। यदि आप यहाँ पर 6 मंथ की बात करेंगे तो तकरीबन 12% स्टॉक टूटा है। पिछले 1 माह में भी देखेंगे तो 2% के आसपास टूटा है। हालांकि पिछले 1 सप्ताह में कुछ टूटा नहीं है, यहाँ तक देखें यदि पिछले कुछ दिनों में तो ये चढ़ा ही है, तकरीबन 2% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब चलिए इसके लेकर चलते हैं स्क्रीन पर जो एक वेबसाइट है जिस पर इस कंपनी के बारे में पूरा इस कंपनी का जो कुंडली पता लगता है उस पर देखते हैं कि इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कैसी कंपनी है, काम क्या करती है, फंडामेंटल कैसा है और आने वाले समय के लिए इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड कंपनी है, ये सबसे पहले स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस देती है। अब स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विस का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास एंजल वन में अकाउंट होगा या अप स्टॉक में अकाउंट होगा, तो जो ये अप स्टॉक और एंजल वन या एम स्टॉक जैसे ब्रोकर्स हैं, उसी तरह इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड भी ब्रोकर है। इसमें भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो ये जो आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं जिस ब्रोकर के थ्रू, उसको कहते हैं स्टॉक ब्रोकर, यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स की सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। इसके अलावा देखेंगे तो इन्वेंचर ग्रोथ जो कंपनी है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है, कमोडिटी ब्रोकिंग की सर्विस भी देती है। कमोडिटी ब्रोकिंग कहने का मतलब है यदि आप गोल्ड में, सिल्वर में या क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो उसको कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेंचर ग्रोथ में यदि आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग की भी सुविधा देता है, हालांकि ये सभी ब्रोकर्स देते हैं। इसके अलावा एक कंपनी देखेंगे तो वेल्थ मैनेजमेंट का सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, उसमें ये जो लोग पैसा करते हैं उनके पैसों को ये स्टॉक मार्केट में लगा कर उस पर रिटर्न अच्छा खासा देती है, यानी कि लोगों के पैसे को मैनेज करने का काम भी ये कंपनी करती है। तो इन्वेंचर ग्रोथ देखिए फाइनेंस के सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक तगड़ी कंपनी है। हालांकि मार्केट कैप भले इस कंपनी का कम है, तकरीबन 215 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी का काम काफ़ी बड़ा है और आने वाले समय में कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है फाइनेंस के सेक्टर में, क्योंकि कंपनी का काम काफ़ी तगड़ा है। अब देखिए, शेयर प्राइस के बारे में तो मैंने बता दिया। चार्ट पर यदि बात करें तो देखिए, जब आप इस कंपनी का चार्ट देखते हैं तो 1 साल से देखेंगे तो तकरीबन 1 साल में इस कंपनी का प्राइस नीचे ही आया है, लेकिन हमें इस बेसिस पर नहीं देखना है। यदि लंबी अवधि की बात करें तो देखिए, अभी हम जानते हैं कि 1 साल में सभी पेनी स्टॉक्स में गिरावट आया है, लेकिन यदि आप 10 साल की बात करते हैं तो देखिए, अभी भी इस कंपनी का जो चार्ट है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसका इस कंपनी का शेयर प्राइस इस लाइन से भी ऊपर है, यानी कि अभी इस कंपनी के बुरे दिन नहीं आए हैं। जब इस कंपनी का चार्ट यानी कि जो शेयर प्राइस है इस लाइन में आ जाए, अभी तो देखेंगे तो यहाँ पर है, यदि इसका शेयर प्राइस इस लाइन में आ जाता है तब चिंता वाली बात होगी, अभी उतनी चिंता की बात नहीं है। और फंडामेंटली भी देख सकते हैं आप कि इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी और जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है, ये एक तो सबसे पहली बात की पॉजिटिव में है, और दूसरा देखेंगे तो 5% से ऊपर है, जो कि एक पेनी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि इस कंपनी का ROC और ROE 5% से ऊपर है। कंपनी का शेयर प्राइस भी आप देखेंगे तो इसका बुक वैल्यू से ऊपर है, बुक वैल्यू के तकरीबन पास में है लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि बुक वैल्यू 2.42 है और करंट प्राइस इस कंपनी का शेयर प्राइस 2.55 है, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो 5 साल में अच्छा खासा 91.8% के हिसाब से CAGR के हिसाब से बढ़ा है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर आ जाइए, आप क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो आप देखते हैं तो कंपनी का सिर्फ एक जून क्वार्टर को छोड़ दें, जून क्वार्टर में कंपनी का थोड़ा सा सेल्स कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स में जब ग्रोथ हो रही है तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2022 में यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें सेल्स कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट तगड़ा हुआ था, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ गया था। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो Q2 का रिजल्ट आया था सितंबर 2022 का, उसमें कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है बाकी के और प्रॉफिट के मुकाबले। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आ गया था कंपनी का, इसकी वजह से भले सेल्स बढ़ा है लेकिन इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो ये सिर्फ एक क्वार्टर के बेसिस पर नहीं आ सकते हैं, जब आप ओवरऑल यदि बात करते हैं लंबी अवधि में तो कंपनी का जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है, तो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का फंडामेंटल और बेहतर हो सकता है।
और यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास जो टोटल कर्ज है वो पिछले कुछ समय में बढ़ा है। हालांकि चिंता की बात तो ये नहीं है क्योंकि कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में बढ़ा है। तो जब कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा हो और प्रॉफिट बढ़ रहा हो, यानी कि रिजर्व और प्रॉफिट दोनों एक साथ बढ़ रहे हो, तो कर्जा यदि बढ़ता हुए तो उतनी चिंता की बात नहीं। ओवरऑल इस कंपनी में हमें करना क्या है, तो यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको वेट करना है, होल्ड करना है अपने शेयर्स को, ताकि जब इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके निकले, लॉस में नहीं निकलना है। और जो नया व्यक्ति है वो इसमें चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना राय मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा एक बार RSI का लेवल चेक कर लीजिएगा। RSI यदि 70 से नीचे हो, यानी कि 30-35 के बीच हो, तब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि RSI जब 70 से ऊपर होता है ना तो वहाँ पर ओवरबोर्ड जो होते हैं वहाँ पर बाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप लॉस में फंस सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वेंचर ग्रोथ के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।